देखाए हैं, लेकिन वो अलग है। ये ऑफर ऐसा है ना, जो आज रिएक्शन में कार्ड बनाया है ना वो भी जा सकते हैं, और जो इस महीना के लास्ट 28 फरवरी तक कार्ड बनाएंगे वो आदमी भी रिएक्शन का बर्थडे बनाने के लिए आप जा सकते हैं अक्टूबर में। 30वां बर्थडे रिएक्शन का, 30वां एनिवर्सरी। तो आप ये समझिए सभी रिएक्शन सदस्यों के लिए, सबके लिए। कितना लोग जाना चाहेंगे मलेशिया? सब जाना चाहेंगे? Yes. चलिए आप सभी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। सबको पता चलेगा, मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा, पता चलेगा कि दो दिन हवाई जहाज में यही साथ में हो जाएगा, 3 हवाई जहाज जरूर हो जाएंगे, 3 से ज्यादा ही लगेगा। हाँ नहीं, 1 हवाई जहाज में 200 आदमी हट जाता है। आप ये समझिए, ये प्रमोशन अवधि, ये ध्यान से देखिएगा, प्रमोशन अवधि के दौरान प्रत्येक माह कम से कम 3000 पर्सनल भी करना है। कंपनी में 3 पॉइंट है, जो ये 3 पॉइंट को करके आप ये ऑफर क्वालिफाई करेंगे। सभी लोगों के लिए ध्यान से समझिएगा, प्रमोशन अवधि के दौरान मतलब ये 1 तारीख से जो प्रमोशन शुरू हुआ है, पूरे 5 महीना में, यानी कि जून तक, 30 जून तक अपना आईडी पे पर्सनल पीवी कितना करना है? कम से कम 3000, और टोटल 5 महीना में प्रमोशन अवधि के दौरान कुल पर्सनल पीवी 5 महीने में कितना होना चाहिए? 1 महीना में मिनिमम 3000, तो अगर 3000 बनाइएगा तो 5 महीना में कितना होगा? 15000 होगा। लेकिन कंपनी कितना बोल रही है करने के लिए? 25000, तो 10000 आपको एक्स्ट्रा करना है। इसलिए किसी में ना 7000, किसी में ना 8000 कर लेना है, किसी में ना 9000 कर लेना है। टोटल 5 महीना में 25000 होना चाहिए, 1 महीना में कम से कम 3000 होना चाहिए। पहला कंडीशन पास हो गए मतलब हो गए, ये पहला कंडीशन से पर्सनल पीवी 3000। यहाँ बहुत सारे लोग करते भी होंगे, कितना लोग 3500 पीवी करने वाले हैं? 3500। आप लोग तो पहला कंडीशन में आ रहे हैं, आप सभी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। जो नहीं करते हैं ना वो कर लीजिएगा, ऑफर में बने रहिएगा। सबसे पहले कहते हैं ना कि रेस में पहले जीतना तो बात की बात है, पहले दौड़ में खड़ा तो होइए आप, तो ये रेस में खड़ा तो होइए आप। 3000 पीवी बनाइए पर्सनल, तो आप ये रेस में शामिल है। दूसरा कंडीशन क्या है? मई और जून दोनों महीने में, ये 5 महीना जो 3 महीना बीत जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल, लास्ट का जो चौथा महीना मई है और पांचवा महीना मई और जून दोनों महीने में 6 अलग अलग लाइन में कम से कम कितना पीवी करना है? 10000 डीजी पीवी करना है। मतलब अलग एक लाइन, एक आईडी पे हो या कई आईडी से हो, 6 अलग अलग लाइन डायमंड बनने के लिए कितना स्टार बनाना है? आप जो नया लोग काम करेंगे ना तो डायमंडो बन जाएंगे और ये भी क्वालिफाई हो जाएंगे, ध्यान रखिए। 6 लाइन में ही, जो 6 लाइन खुला था ना, तो 45000 पीवी बनने से स्टार होता है। तो 10000 पीवी आपको चौथा महीना में करना है, अभी 3 महीना पहले मजबूत होने का टाइम दे रहा है। अरे दुदुआ हजार कीजिएगा तो चलेगा। तो 10-6 लाइन में 10-10000 पीवी मई में भी होना चाहिए और जून में भी होना चाहिए, ये कंडीशन याद रखिएगा। और ये पीवी जो है इसमें नए वो पुराने सभी सदस्यों का पीवी शामिल रहेगा। ये 10000 जो 6 लाइन में पीवी करना है, ये पुराना आईडी से भी आपका पीवी रहेगा तो गिनती आ जाएगा। बात समझ में आ गया? पुराना आईडी पे भी गिनती आएगा। तो ये 2 महीना करना है, ठीक है। अब फाइनल जो तीसरा टारगेट है कि आपका प्रमोशन अवधि के दौरान 5 महीना में किसी भी लाइन में, किसी भी ज्वाइनिंग से, किसी भी लाइन में, मतलब समझ रहे ना, आप कितना ना लाइन खोलें इससे मतलब नहीं है, और किसी भी जनरेशन, किसी 5 महीना में से किसी भी लाइन में और किसी भी ज्वाइनिंग पे, कितना ना नीचे का है ना ज्वाइनिंग किया हुआ हो, टोटल 2 लाख पीवी करना है। कितना पीवी करना है? 2 लाख पीवी करना है, 1 महीना में कि 5 महीना में? तो अगर 5 को डिवाइड कर, 2 लाख को 5 से डिवाइड किया जाए, 1 महीना में कितना हुआ? 1 महीना में लगभग 40000 हुआ। 1 महीना में 40000 पीवी करना है। अगर आप पहला महीना में 10000 करते हैं तो दूसरा महीना में 20000 कीजिए, तो 20 और 10 जुड़ जाएगा 30, फिर तीसरा महीना में आप 50000 कर दीजिए, 50 और 30 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और लास्ट का जो चौथा पांचवा महीना बचा, तो चौथा महीना में 6 लाइन में 10000, तो कितना हो गया? 60000। और फिर पांचवा महीना में 10000, तो कितना हो गया? 60000। 60 और 60 कितना हो गया? 1,20,000। और 80000 पहले 3 महीना में कितना हो गया? 2 लाख क्वालिफाई पीवी हो जाएगा। आप बल्ले बल्ले क्वालिफाई हो जाइए। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी स्टेप है ये मलेशिया घूमने का। आपको सारा खर्चा कंपनी देगी, बहुत इजी है। पहला इस महीना में फरवरी महीना में अगर आप 10000 भी पीवी करते हैं ना,
मार्च में आपको 20,000 करना है टोटल। अगर अप्रैल में आप 50,000 कर दिए 50 और 30 सीधे हो गया, और उधर चौथा पांचवा महीना में 60-60 हजार पीवी कर, 10-10 हजार पीवी करना, 1,60,000 पीवी और 60,000 1,20,000 पीवी हो गया, तो ये 2,00,000 पीवी जो है आपका उस आईडी से गिना जाएगा। वो देख लीजिए 1 जनवरी 2023 के बाद होने वाला सभी नई ज्वाइनिंग की गिनती आएगी, सभी ज्वाइनिंग नई ज्वाइनिंग में गिनती आएगी। ये नया ज्वाइनिंग से 2,00,000 पीवी करना है, तो नया ज्वाइनिंग किसको माना जाएगा? जो 1 जनवरी के बाद आपके पूरे परिवार में, मतलब पूरा डीएक्शन जनरेशन में कोनो के नीचे कार्ड बना है, जनवरी के बाद जितना भी कार्ड बना है उस पे जितना भी पीवी फरवरी से बनना शुरू होगा, वो सारा आईडी का एक एक पीवी ये 2,00,000 में गिनती आ जाएगा, एक एक पीवी आ जाएगा। तो आसान है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? कितने लोगों को एकदम कन्फर्म आसान हो गया हम कर लेंगे? कितने लोग कन्फर्म है एकदम चले जाएंगे मलेशिया? कन्फर्म है? यस है हिम्मत? कन्फर्म है? अरे हाथ हिला रहे हैं, यस यस कर रहे हैं, है हिम्मत चले जाएंगे? चलिए जोरदार ताली बजाइए।